अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तौसीफ असगर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो क्या है, आज इंशाल्लाह अज़ीज़ उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने हाइब्रिड पायनियर मकई लगानी है 4 एकड़ पर। इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है उसका जो काम मुकम्मल हो चुका है, आपके सामने नज़र आ रहा है। पानी मैं इसके अंदर अभी इस टाइम लगा रहा हूँ, देखें मेरे पीछे। पानी लगाने के बाद, पानी लगाने से पहले इसके अंदर हम लोगों ने ज़मीन की तैयारी जो किस तरीके से की थी उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। बाद जब ज़मीन बदतर आई तो उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर 2 मरतबा हल चलाए। हल चलाने के बाद उसका उसके अंदर से हवा निकलने के लिए कुछ टाइम उसको खुला खुला रहने दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर दोबारा से एक हल चलाया। हल चलाने के बाद इसके अंदर रोटावेटर लगाया। रोटावेटर लगाने के बाद इसके अंदर फिर दोबारा से हल चलाया। हल चलाने के बाद इसके अंदर हमने रेज़र की मदद से खेलियाँ खींची। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ये खेलियाँ खींचने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने बीज लगवाया। बीज लगाने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर पानी दिया जा रहा है, और पानी देने के बाद इसको जो है पानी किस तरीके से देना है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। जी दोस्तों, पानी जो है आप लोगों ने किस तरीके से और कहाँ तक देना है, इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, देखें। ये आपको नज़र आ रहा है बीज, ये जहाँ पर ये पोजीशन थी बीज लगाने की, ये इस बीज को मैं अंदर करता हूँ। और इससे मैंने पानी का जो है तकरीबन 4 इंच, 2 या 3 से 4 इंच का फासला रखना है। पानी फ़िलहाल इस खेली से होकर आ रहा है, तो पानी का जो है फासला मैंने यहाँ तक रखना है, तकरीबन 4 इंच से नीचे रखना है। 4 इंच रखने से फ़ायदा क्या होगा, पानी की जो रेज़ है वो ऊपर तक जाएगी। सेम जिसे बोलते हैं सेम, ने इसको इस बीज के लिए सिर्फ हमने सेम पहुँचानी होती है। इससे पानी ज़्यादा लगाने का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसका पानी लगाने का बेहतरीन तरीका है कि इन खेलियों की मदद से बंद लगाए जाएँ, जैसा कि वो सामने आपको नज़र आ रहा है। पहले इन खेलियों को हम लोगों ने भरना है, और खेलियों को भरने के बाद वो बंद आगे से बंद करके अगले जो है हमने क्यारे बनाए हुए हैं उन क्यारों के अंदर पानी छोड़ना है। तो इससे यह होता है कि आप अपने हिसाब के, अपने अंदाज़े से और अपने हिसाब के मुताबिक पानी लगा सकते हैं। पानी ना तो ओवर होगा और ना पानी इसके अंदर से कम रहना है। आपने जहाँ पर, आपको पता है कि बीज कहाँ पर लगा हुआ है, तो उससे आपने सिर्फ 3 से 4 इंच का फासला छोड़ना है ताकि रेज़ वहाँ तक पहुँच जाए। 4 एकड़ पर मुश्तमिल ये रकबा है जिसके अंदर मैंने पायनियर मकई लगाई है, और ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इसका वाया हम लोगों ने 5 इंच रखा है, और पायनियर 3141 जो बीज है वो लगाया। उसको लगाने के बाद अब हम लोग जो है इसके अंदर पानी दे रहे हैं। आपके सामने पानी दिया जा रहा है, और पानी हल्का हल्का दिया जा रहा है ताकि सिर्फ बीज तक सेम पहुंचे। सेम देखें, वो कल हम लोगों ने भराई थी, उसके बाद रात शाम हो गई थी, उसके बाद हम लोगों ने आज इसके अंदर बीज इसके अंदर कल ही लग गया था, और आज जो है इसके अंदर सिर्फ हम लोग पानी लगा रहे हैं। पानी लगाने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने हल चलाने, दो हल, जब स्टार्ट में हमने 2 हल चलाए तो इसके अंदर हम लोगों ने जो है दो, एक बोरी के हिसाब से DAP इसके अंदर हम लोगों ने डाली और छिटा लगाया। छिटा लगाने के बाद इसके अंदर हल चलाए मिक्स की, और उसके बाद इंशाल्लाह लजीज़ इसके अंदर जिस तरह हम पोटाश डालेंगे या और यूरिया वगैरह फ्लड करेंगे, यूरिया डालेंगे, उसकी तमाम तरह डिटेल मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल जो हम लोगों ने इस टाइम पायनियर मकई लगा चुके हैं, और वहाँ पर हम, मेरा जो है अभी तक कुछ रकबा फ्री में पड़ा हुआ है, तो उसमें हम, मेरा नेक्स्ट प्लान है मिर्चे लगाने का इंशाल्लाह अज़ीज़, और भिंडियाँ लगाने का। उसके जब हम लगाएंगे तो उसकी भी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ बताऊंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह अज़ीज़ जिस तरह हमने पायनियर मकई लगाई और इसके बारे में आपको डिटेल बताई, ज़मीन की तैयारी बताई, और आगे नेक्स्ट इसके अंदर जो है जहर वगैरह और यूरिया पोटाश जो जो डालेंगे उस हिसाब से मैं आपको वीडियो के अंदर शेयर करता रहूँगा। वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए आप इंशाल्लाह नेक्स्ट भी लेंगे जब मैं मिर्चे लगाऊंगा और भिंडियों के लिए ज़मीन को तैयार करूंगा। अभी फ़िलहाल उसके अंदर 2 हल चलाकर रेस्ट पे है ज़मीन, उसके अंदर कुछ नहीं डाला हुआ। इंशाल्लाह जैसे ही वो जो है हम लोग उसके अंदर कुछ मिर्चे लगाने का नेक्स्ट 20 तारीख को, अभी जो है कोहरे की शिकायत है, अभी लोग हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जो है अभी 10 हमारे इस इलाके में, पंजाब का इलाका है ये कसूर का, इंशाल्लाह अज़ीज़ इसके अंदर हम लोग जो है 10 तारीख के बाद उसको ज़मीन की तैयारी शुरू करेंगे, और 15 से 20 के तारीख के बाद इंशाल्लाह जनवरी और फरवरी, ये इस टाइम फरवरी का है और फरवरी की आज है 5 तारीख, इंशाल्लाह 10 रोज़ के बाद हम लोग उसके अंदर लगाना शुरू करेंगे भिंडी और मिर्चें।
तो जैसे हम वो लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।